नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव साल 2023 की शुरुआत में ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 17 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 2.5 साल तक यानी 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो शनि की चाल में आए परिवर्तन का सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 30 सालों के बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो वर्ष 2023 में शनि जन्य दुष्प्रभाव आपके जीवन से दूर होंगे और आपके जीवन में शुभता ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष में शनि को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जिसमें शनिदेव किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का यानी वर्तमान में जो इंसान कर्म कर रहा है, और संचित कर्मों का उचित न्याय और लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने गए हैं। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, प्राकृतिक आपदा, सभी प्रकार की नौकरी और विज्ञान का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही आधिपत्य होता है। शनि के बारे में लोगों में नकारात्मक धारणा बना दी गई है, परंतु ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जन्म कुंडली पर शनि की स्थितियां यदि अनुकूल और मजबूत हो तो जातक को कई प्रकार की सफलता भी जीवन में देखने के लिए मिलती है। शनि यदि जन्म कुंडली पर मजबूत हो जाए तो ऐसे जातक को शनि रंग से राजा अपनी महादशा में बना देते हैं। शनि बलि हो तो जातक अपने शारीरिक रूप से अपनी कर्मठता के द्वारा विशेष उपलब्धि जीवन में कर्म क्षेत्र में प्राप्त करता है। शनि मजबूत हो तो जातक को आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा जातक धैर्यवान, साहसी और काफी ज्यादा कर्मठ होता है। ऐसे जातक के अंदर हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की विशेष प्रधानता होती है। शनि बलि हो तो जातक शारीरिक रूप से काफी मजबूत होता है। ऐसे जातक के जीवन में उम्र काफी ज्यादा जातक की लंबी होती है। वहीं जन्म कुंडली पर शनि की खराब स्थितियां कई प्रकार की समस्या जीवन में देने लगती है। शनि यदि खराब हो जाए तो व्यक्ति को पैरालिसिस, कैंसर और जुखाम की प्रॉब्लम, लकवा की समस्या, पेट दर्द की समस्या, पेट में गैस बनना, ये सारी समस्याएं दिखाई देती है। वहीं पीड़ित शनि के प्रभाव से जातक को दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग शनि की महादशा में बनता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मंद चाल इन्हीं की होती है और शनि की दशा 7.5 सालों की होती है, जिसे 7.5 साती भी कहा जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों,
शनि देव आपके राशि के अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 को आपके राशि से नवम भाव में यानी भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। राशि के नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता तुल्य व्यक्तियों के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, गुरुओं के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। शनि का राशि के भाग्य भाव में गोचर होगा तो 17 जनवरी से ही आपके ऊपर चल रही शनि की ढैया पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगी। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के पराक्रम भाव को देखने वाले हैं, वहीं दशम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को देखने वाले हैं। तो साल 2023 में शनि के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों को कई क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। भाग्य भाव पर शनि प्रभावी होंगे तो शनिदेव सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के अंदर मनोबल और उत्साह की प्रधानता को बढ़ाने वाले हैं। पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों को कार्यों में लगातार अड़चने, व्यापारिक असफलता और कर्म क्षेत्र में चुनौतियां लगातार प्राप्त हो रही थी। तो 17 जनवरी से शनि के इस सुप्रभाव से आपके जीवन में कई कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ आपके संपर्क स्थापित होंगे। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शनि के प्रभाव से कर्म क्षेत्र में यदि आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति के लिए यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शनि के प्रभाव से ही मिथुन राशि वाले जातकों को इस दौरान भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो सकता है और आपके मन में प्रसन्नता भी मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को समाज, परिवार में और जनता का विशेष सम्मान इस परिवर्तन से देखने के लिए मिलने वाला है। इस दौरान आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है और ऐसे जातक जो विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं या ऐसा कार्य जो विदेशों से जुड़ा हुआ है, उन कार्यों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। शनि का यह परिवर्तन आपके जीवन में स्थायी और पैतृक संपत्ति को देने के लिए भी काफी समर्थ रहने वाला है। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में जुड़कर कार्य करते हैं, जैसे यदि आप लॉयर हैं, तर्कशास्त्री हैं, आयरन, केमिकल या पेट्रोलियम विभाग में यदि आपका जुड़ाव है, लकड़ी से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, भवन निर्माता हैं, लोहे से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, तो इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के इस परिवर्तन से आमदनी में वृद्धि होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। शनि का यह प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक तौर पर आपको विशेष लाभ दे सकता है। कुछ विशेष सावधानियां भी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कार्यस्थल पर जीवन में विरोधियों से काफी ज्यादा सावधान होकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। और सेहत के मामले में भी मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, सेहत में मौसमी बीमारी आपको साल 2023 में परेशान कर सकती है। यदि आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी साल 2023 में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और ये सभी प्रकार की सावधानी शनि के वक्री काल में यानी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव साल 2023 में वक्री रहने वाले हैं, तो इस दौरान आपको यह सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए।
शनि को अनुकूल और मजबूत करने के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक कम से कम 11 शनिवार आप जरूर जलाएं। मिथुन राशि के जातक यदि महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं तो स्थितियां आपके जीवन में काफी बेहतर रहेगी। शनि को मजबूत करने के लिए जीवन में काली चीजों का दान शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों में आप कर सकते हैं, जैसे काला छाता, काला जूता, काला शर्ट, काला चना। इन चीजों का दान यदि आप करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए सकारात्मकता बनाकर चले, ईमानदारी बनाकर चले, यही शनि का सबसे बड़ा उपाय है। तो आपके जीवन में शनिदेव काफी बेहतर स्थितियां निर्मित करेंगे और पिछले 2.5 सालों में जो आपने खोया है वो शनिदेव 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में उसकी भरपाई करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।